नमस्कार, मैं श्रेया दो, आप देख रहे क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिन भर की सुर्खियां। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटने और जय श्री राम बुलवाने की खबर को हिंदू मुस्लिम रंग देने में लाइव टीवी का जोर सबसे आगे है। खबर का सच है कि पीड़ित बुजुर्ग तांत्रिक अब्दुल समद के द्वारा ताबीज बेचने के बाद फायदा न होने पर परवेज गुज्जर, कल्लू पोली, आरिफ आदिल व मुसाहिद सभी ने मिलकर पीटा और दाढ़ी काटी। वाराणसी में 19 जून तक जिला पंचायत के 28 कार्यों को पूर्ण कराने का जिला अधिकारी कौशल लाल शर्मा ने दिया निर्देश। कोविड से सीधी जंग के लिए WHO ने CMO वाराणसी को दिया 1700 N95 मास्क। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री प्रमोद अग्रवाल आदि ने सरोजा पैलेस में कोरोना की मार झेल रहे जरूरतमंद कलाकारों को दिया खाद्यान्न सामग्री और वह प्रख्यात कथक नृत्यांगना डॉक्टर ममता टंडन सहित अन्य कलाकारों का किया सम्मान। जिला अधिकारी कौशल लाल शर्मा ने वाराणसी के मदनपुरा स्थित बुनकरों के वैक्सीनेशन कैंप पहुंचकर उनकी पहल को सराहा। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार सिंह बुल्लनपुर PSC के दिवंगत जवान के नॉमिनी को दिया 30 लाख का दुर्घटना बीमा। बहु बेटी कुटुंब फाउंडेशन वाराणसी के प्रमुख विशाल जैन व श्रुति जैन के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हुआ संपन्न। पुलिस आयुक्त वाराणसी S. सतीश गणेश ने फायर सर्विस टीम द्वारा आग से गिरी बिल्डिंग में फंसे 8 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने वाली टीम को किया सम्मानित। थाना मड़वाड़ी पुलिस टीम के द्वारा वांछित अभियुक्त राहुल गुप्ता हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी का माल व 1,70,000 रुपए किया बरामद। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा नशीला पाउडर सुंघा कर चोरी करने वाले गिरोह के अभियुक्त गढ़ महमूद आलम, दिलसाद व अमीन को किया गिरफ्तार। क्राउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।